आगे बढ़ते हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा दी है। छिंदवाड़ा सांसद के प्रतिनिधि सौरभ ठाकुर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज के कार्यों और बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद हैं। आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मंगलवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी विरोधी कई पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। वहीं इस बैठक से अलग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात करीब एक घंटे चली। ये मुलाकात पवार के निवास पर हुई। उनकी ये मुलाकात ऐसे दिन हुई जब पवार ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से नई अटकलों को हवा मिली है। बताया जा रहा है कि ताजा राजनीतिक हालातों समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है।